हेलो फ्रेंड्स, मैं आभा खत्री। आज मैं आपके लिए एक और क्विक और यमी रेसिपी लेके आई हूँ, चॉकलेट पास्ता, जो आप बच्चों के टिफिन में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चॉकलेट पास्ता बनाने के लिए हमें एक बाउल पास्ता लिया है हमने, जो मैंने पहले से बॉइल करके रखा है। आधा कप मैंने दूध लिया है, एक चम्मच मैंने शक्कर ली है और एक चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है और चॉकलेट सिरप लिया है। आइए हम बनाते हैं चॉकलेट पास्ता। सबसे पहले हम पैन में दूध गरम कर लेंगे। और उसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे। अब जब तक ये शक्कर पिघलेगा तब तक हम इस दूध को हिलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। तब तक चलाएंगे तब तक इसमें लम्स ना आए कोई भी। पूरा दूध हमारा एक जैसा हो जाना चाहिए। देखिए, ये दूध हमारा पूरा एक जैसा हो चुका है। अब इसके अंदर हम पास्ता डालेंगे। अब पास्ता डाल के इसे फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 5 मिनट तक इसको हमने उबाल लिया है। ये ऐसा हो जाएगा एक जैसा, इसमें दूध भी नहीं रहा है। अब इसमें हम चॉकलेट सिरप डालेंगे थोड़ा सा। और हिला लेंगे उसे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हम गैस की फ्लेम तेज कर देंगे। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा पास्ता रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट पास्ता रेडी है। इसे मैंने वेफर बिस्किट और जैम से गार्निश किया है। इसे चिल्ड कर अगर खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थैंक यू।